कपालभाति को बहुत से लोग सोचते हैं ये एक प्राणायाम है, ये प्राणायाम नहीं है बल्कि कपालभाति है एक क्लिंजिंग टेक्निक। हठ योगा में जो 6 प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, क्लिंजिंग टेक्निक है, जिनकी मदद से आप अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, उसमें से एक कपालभाति क्रिया भी है। तो आगे से अगर आपको कोई बोले कि कपालभाति एक प्राणायाम है तो उनको ज़रूर समझा दीजिएगा कि कपालभाति प्राणायाम नहीं बल्कि एक क्लिंजिंग टेक्निक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताने वाली हूँ, जैसे 3 तरीके की जो गलतियाँ हैं उसको किस तरीके से नहीं करना है और उनको करेक्शन किस तरीके से करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब देखें कि आप गलती कर रहे हैं या कोई और गलती कर रहा है उसको आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकें। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? कपालभाति का अभ्यास करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत अत्यधिक है, यानी कि अगर आप फिजिकली एक्टिव भी नहीं हैं, आपकी मेडिकेशन भी नहीं है और ब्लड प्रेशर 140, 150, 160 इस तरीके से जा रहा है, तो इस केस में कपालभाति बिल्कुल ना करें, प्रेगनेंसी में बिल्कुल ना करें, पीरियड्स में बिल्कुल ना करें, बैक पेन में बिल्कुल ना करें, अल्सर की समस्या है तो बिल्कुल ना करें। अगर आपको चक्कर आता है या आपका सर घूमता है तो इस केस में भी आपको कपालभाति बिल्कुल नहीं करना है। कमज़ोरी लग रही है, बुखार है, खांसी है, सरदर्द है, इतनी एनर्जी नहीं महसूस कर रहे हैं तो भी कपालभाति का अभ्यास आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बेनिफिट जान लें कपालभाति के। कपालभाति का अभ्यास अगर आप करते रहते हैं तो आप अच्छी ऊर्जा महसूस करेंगे अपने शरीर में बहुत ज़्यादा। बहुत से लोग जल्दी डल हो जाते हैं, लेज़ी महसूस करते हैं, इतनी एनर्जी नहीं आती है, तो आपके पूरी की पूरी कोशिकाएं जो हैं, सोई हुई कोशिकाएं जो हैं वो अच्छी तरीके से एक्टिवेट होती हैं, पूरा शरीर एनर्जाइज्ड होता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपका पूरी की पूरी बॉडी का हार्मोन्स का सिक्रेशन जो है वो इम्प्रूव होता है, ब्रेन का फंक्शन अच्छा होता है, साथ ही सारे के सारे आंतरिक अंगों को अच्छी मसाज मिलती है, चाहे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी का फंक्शन, लिवर का फंक्शन, स्टमक का फंक्शन, स्टमक से निकलने वाले सारे के सारे डाइजेस्टिव जो जूसेस हैं, पैंक्रियास, स्प्लीन का फंक्शन इम्प्रूव होता है, लंग्स की कार्यक्षमता इम्प्रूव होती है, हार्ट की मसल्स को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा सहायक है, आँख नाक कान का फंक्शन इम्प्रूव होता है, चेहरे में अच्छी तरीके से रौनक आती है, बहुत ज़्यादा पिंपल फुड़िया या चेहरे में झाइयाँ हैं वो भी कम होती है, साथ ही अगर बाल बहुत ही ज़्यादा टूटते हैं, झड़ते हैं समय से पहले, किसी कारण से समय से पहले अगर जल्दी ग्रे होते हैं, सफ़ेद होते हैं, वो भी समस्या नहीं होगी, साथ ही आपकी याददाश्त अच्छी होगी, तो बहुत सारे बेनिफिट हैं कपालभाति के। तो पहली गलती जो ऑलमोस्ट मैंने हर स्टूडेंट को करते हुए देखा है वो ये कि वो जब सांस छोड़ेंगे तो नाक से बहुत ज़ोर से सांस छोड़ेंगे करते हैं और उनको लगता है कि ऐसे ज़ोर से सांस छोड़ेंगे वही कपालभाति है। तो ये गलती कैसे करते हैं देखिए, एक बार में ही जितनी सांस है उतनी सांस छोड़ दे और जितनी जोर से आवाज निकालेंगे वही उनकी कपालभाति हो गई। लेकिन इसमें आपको पता है परेशानी ये होती है कि उनका माथा भारी लगने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, आपके कान में दर्द होने लगता है, आंखों पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, आपकी नाक जो है नाक पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, और अगर इसको कंटिन्यूअसली करते रहें तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाक से खून आ जाए या कान से खून आ जाए। देख रहे हैं कितनी भारी समस्या हो सकती है और इसको हम बड़े लाइटली गलत तरीके से करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप गलती ये कर रहे हैं या कोई आपका जानने वाला गलती कर रहा है उसको तुरंत रोकें। और आप देख रहे होंगे कि इस गलती को करते वक्त चेहरे पर भी बहुत टेंशन थी, ऐसे ऐसे, तो वो चेहरे पर टेंशन ना आए, गर्दन भी आपकी घूम रही थी, सर भी ऐसे घूम रहा था, ऐसे आगे की तरफ हो रहा था, तो ये गलती कतई ना करें। आपको बहुत जेंटली ये काम करना है। कैसे? ऐसे। तो शुरुआत करें 5 से 10 पंपिंग की, चेहरे का एक्सप्रेशन भी चेंज ना हो और नाक से बहुत फोर्सफुल या सांस भी ना छोड़ रहे हो।
दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रहके योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा कंडक्ट की जाने वाली ऑनलाइन जूम योगा क्लासेस में। ये जूम योगा क्लासेस सुबह 7 बजे से 8 बजे होती हैं और ये पेड क्लासेस है। इन क्लासेस के बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप या तो मेरी वेबसाइट विजिट कर लें, अगर वेबसाइट विजिट नहीं करना चाहते हैं तो ये मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, मेरी टीम के द्वारा आपको क्लासेस के बारे में सारी डिटेल भेज दी जाएगी। आज इन ऑनलाइन योगा क्लासेस के माध्यम से मैं ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी हुई हूँ। उनको या तो ग्रुप क्लासेस करवाती हूँ जिसमें कि बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस, जो कॉमन हेल्थ कंडीशंस है, जैसे कि आपके लाइक थायराइड की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, ओबेसिटी की समस्या, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएट होना, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, PCOD, PCOS की समस्या, सेक्सुअल डिसऑर्डर, इस तरीके की समस्याओं में हम मिलकर काम करते हैं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन है तो आप मेरे साथ 1-on-1 योगा क्लासेस के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जूम क्लासेस 7 बजे नहीं ज्वाइन कर सकते हैं और आप चाहते हैं किसी भी वक्त आप अभ्यास करना अपनी सहूलियत के हिसाब से, तो आप मेरे द्वारा जो योगा फॉर बिगनर्स का कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्सेस का जो फी है बहुत नॉमिनल है। इसकी भी डिटेल आपको या तो मेरी इस वेबसाइट पर आपको जाने से मिल जाएगी, या तो फिर अगर आप वेबसाइट में नहीं जाना चाहते तो आप सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एक व्हाट्सएप कर दें ताकि मेरे टीम के द्वारा आपको गाइड कर दिया जाए कि किस तरीके से आप ये रिकॉर्डेड सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। इन रिकॉर्डेड सेशंस की सबसे खास बात यह है कि ये जो सीक्वेंस मैंने डिज़ाइन किया है इसको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिज़ाइन किया है, और साथ ही ये वीडियोज़ आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगी, बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं। और इस कोर्स की वैलिडिटी पूरे 1 साल तक की है, यानी एक बार आप जब पेमेंट कर देते हैं तो आपको पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिल जाती है। तो अभी जाके चेक कीजिए, मेरी वेबसाइट भी विजिट करिए और व्हाट्सएप भी कर दीजिए। अब जो दूसरी गलती मैंने स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है कि वो अपनी गर्दन पर एक्सेसिव टेंशन दे देते हैं, जबकि कपालभाति में गर्दन का कोई काम नहीं है, सांसें आपको सिर्फ नाक से छोड़नी है। गलती किस तरीके से करते हैं, ऐसे आपने देखा कि गर्दन का पूरा एंगेजमेंट है। इस तरीके की जब गलती करते हैं तो गर्दन पर बहुत दर्द होता है, पीठ पर दर्द होता है, पेट पर दर्द होता है, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इस गलती को कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो कपालभाति करने के इमीडिएटली बाद गर्दन पर भारीपन, खराश, दर्द महसूस होगा। लॉन्ग टर्म में करते रहने से बैक पेन आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पेट पर भी बहुत एक्सेसिव प्रेशर आएगा, टेंशन होगी। तो इस गलती को ना करें, आप सिंपली गर्दन की एंगेजमेंट करें ही ना, धीरे धीरे अभ्यास करें। कैसे, और जब आप एक्सपर्ट हो जाएं तो फिर उसके बाद थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा के पहली प्रैक्टिस में गर्दन पे कैसे एंगेजमेंट थी, ऐसे नहीं बल्कि, तो ये गलती आप भी ना करें, किसी को करते हुए देखें उनको भी रोकें। अब तीसरी तरीके की गलती जो आपको नहीं करनी है वो ये कि अननेसेसरी कंधे घूमते हैं, कंधे ऊपर नीचे होंगे। तो किस तरीके से अभ्यास करते हैं, तो ये गलती तभी होती है जब ज्यादा जोर से पुश करते हैं सांस को बाहर की तरफ, तो नाक पर ज्यादा टेंशन हो गई, गर्दन पर ज्यादा टेंशन हो गई और कंधे आगे पीछे घूमे, छाती ऊपर नीचे घूमे, तो ये गलती हो जाएगी। ये गलती अगर होगी तो आप कपालभाति अगर करेंगे तो आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा, आपको थोड़ी देर में गर्दन में, कंधे में दर्द होने लगेगा, पेट में दर्द होने लगेगा। तो इसलिए बॉडी को एकदम स्टिल रखें, स्टेबल रखें।
और फिर कपालभाति का अभ्यास करते वक्त धीरे धीरे आप देख रहे हैं मेरे कंधे बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूअस कर सकते हैं अभ्यास काफी देर तक, और धीरे धीरे जब आपको महारत हासिल हो जाए, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करने लगे, तो फिर अपने सहूलियत के हिसाब से जितनी भी पंपिंग कर सकते हैं। आइए जरा समझते हैं कि कपालभाति एक्चुअली में आप करेंगे कैसे। देखिए, कपालभाति करने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि आपको सिर्फ अपनी नासिका से जरा जोर से सांस छोड़ना है, ऐसे कि मान लो सामने अगर कोई मोमबत्ती रखी हो उसको आपको अपनी नाक से बुझाना है, बस ऐसे। तो जब आप इतना काम करते हैं, शुरू शुरू में सिर्फ आप 5 बार कीजिए, 5 बार हो जाए तो फिर 10 बार कीजिए, और धीरे धीरे कीजिए कि क्या आसानी से नाक से सांस छूट रही है। और जब आसानी से नाक से सांस छूटेगी तो पेट ऑटोमेटिकली ऐसे अंदर जाएगा। कैसे? अगर आप 10 बार करें, कैसे? मुंह बंद करके रखेंगे, चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं बदलेंगे, कंधे पर बहुत ज्यादा तनाव झुकाव नहीं देंगे, कंधे को बहुत ज्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, सिर्फ नाक से सांस छोड़ेंगे, नेचुरली पेट से सांस, पेट अंदर जाएगा। कैसे? तो शुरू शुरू में आप ऐसे 5-5, 10-10 पंपिंग करें, और जैसे जैसे आपको महारत हासिल होती जाए, जैसे जैसे आप ज्यादा कंफर्टेबल होते जाए, फिर 20 पंपिंग, 30 पंपिंग, 40 पंपिंग धीरे धीरे अभ्यास करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जब बहुत सारे नंबर ऑफ पंपिंग करते हैं एक बार एक बैठक में ही करते हैं तभी आपको उसका लाभ मिलेगा, नहीं। कम करना है, सही करना है, और उसमें और भी एक्सपर्टीज हासिल करके फिर प्रोग्रेस करना है। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाएं वैसे वैसे आप अपने पंपिंग का जो नंबर है वो बढ़ा दें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब तक 1 मिनट के में 60 पंपिंग या 100 पंपिंग ना करें तब तक आपकी कपालभाति नहीं हुई। आप इस गलती में ना रहें, आप सिर्फ अपने प्रोग्रेस पर ध्यान दें कि आप कितने कंफर्टेबल हैं, क्योंकि योग का अभ्यास आप खुद के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी दूसरे के लिए। तो शुरू शुरू में 10 या 20 पंपिंग से शुरुआत कीजिए, फिर जब आपको अच्छा लगे, प्रोग्रेस अच्छी हो जाए, तो टारगेट कीजिए कि 1 मिनट में 60 पंपिंग, 70 पंपिंग जिस तरीके से कर सके। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी भी कपालभाति का अभ्यास करें तो आप खाली पेट इस अभ्यास को करें, सुबह सुबह इसका अभ्यास करें, और कभी भी रात में इमीडिएट सोने से पहले ना करें। तो चलिए अब मैं आपको 30 पंपिंग करके बताती हूँ कि कितना स्पीड आपके लिए काफी है। जब अभ्यास कर लिया है तो शांत बैठ जाएं, आंखें बंद करके कम से कम 5 मिनट तक जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहें, तुरंत आंखें खोल के इधर उधर देखना ना शुरू कर दें। तो देखा आपने, ये 3 जो गलतियां हैं बहुत बारीकी से लोग करते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी मदद की कि किस तरीके से आप इन गलतियों से बच सकते हैं। आपका दोस्त या आपके रिश्तेदार भी इस तरीके की गलतियां करते हैं तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। आई एम श्योर कि मेरे कहने पर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और अगर नहीं किया भूल से भी तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अपना खूब ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। नमस्ते।